हेलो गाइस, मैं हूं भास्कर। आप देख रहे हैं भास्कर 2.0 और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप IRCTC से रेलवे टिकट को बुक कर सकते हैं। IRCTC पे रेलवे टिकट बुक करने के लिए सबसे पहले आपको IRCTC की वेबसाइट पे रजिस्टर होना पड़ता है। तो उसके लिए आप जा सकते हैं IRCTC.co.in जो कि ऑफिशियल वेबसाइट है, या फिर आप IRCTC रेल कनेक्ट ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ से भी आप रजिस्टर हो सकते हैं और रेलवे टिकट को बुक कर सकते हैं। और इसमें रजिस्टर कैसे होते हैं, इसके ऊपर मैंने पहले ही एक वीडियो बनाया है जो कि आप इस वीडियो को देख सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आप आई बटन में भी क्लिक करके देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप पेटीएम से ट्रेन टिकट बुक करना चाहते हैं तो उसके ऊपर भी मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, जो चाहे तो आप डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक मिलेगा, वहां से इसे देख सकते हैं। और फिलहाल बात करते हैं कि आप कैसे IRCTC पे ट्रेन टिकट बुक करेंगे। तो इस वीडियो में मैं आपको मोबाइल से ट्रेन टिकट बुक करना सिखाऊंगा और इसके लिए आपको IRCTC का जो ऑफिशियल ऐप आता है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जो कि प्ले स्टोर से आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, जिसका नाम है IRCTC रेल कनेक्ट। इस ऐप को डाउनलोड करने के बाद से आपको लॉगिन करना है। अगर आप रजिस्टर नहीं है तो कैसे रजिस्टर होते हैं, हमारी पहली वाली वीडियो देखिएगा और आप रजिस्टर हो जाएंगे। और रजिस्टर होने के बाद से चलिए हम आपको वीडियो में बताते हैं कि कैसे जो है आप रेलवे टिकट को बुक करते हैं। तो सबसे पहले हमें करना क्या है कि IRCTC रेल कनेक्ट ऐप जो है IRCTC का ऑफिशियल ऐप है, हमें इसे प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है। इसे डाउनलोड करने के बाद से आप इसे ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद से आपसे यहाँ पे कुछ या परमिशन मांगेगा, तो आपको ओके कर देना है या आपको कोविड से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहा है। उसके बाद से आपको यहाँ पे बहुत सारे आप इंटरफेस देख सकते हैं। यहाँ पे लिस्ट ऑफ स्पेशल ट्रेन का पहले ही दिखा रहा है, क्योंकि आजकल कोरोना का जो है समय चल रहा है। तो आपको क्या करना है कि यहाँ पे ऊपर लॉगिन का ऑप्शन मिलता है, आपको लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद से आप देखेंगे यहाँ पे यूजर नेम और पासवर्ड मांग रहा है। अगर आप रजिस्टर्ड नहीं है तो आपको क्या करना है, रजिस्टर यूजर पे क्लिक करना है। और कैसे रजिस्टर होते हैं इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने जो है वीडियो बना रखा है, तो आपको क्या करना है कि वो वाली वीडियो देख लेना है और आप समझ जाएंगे कि कैसे रजिस्टर होते हैं, क्योंकि रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस जो है काफ़ी लंबा है IRCTC के ऊपर, तो उसको बताऊँगा तो वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। तो आप रजिस्टर के लिए वह वीडियो देख सकते हैं। अब क्या करेंगे, यूजर नेम और पासवर्ड को डालने के बाद से हमें यहाँ पे लॉगिन का ऑप्शन मिलता है, लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब जैसे ही लॉगिन पे क्लिक करते हैं यहाँ पे रिकैप्चा वेरीफाई करने लगता है आप कहीं रोबोट तो नहीं है। इसमें होगा क्या कि आपको कुछ इमेज दे दिया जाएगा, जैसे कि ऊपर लिखा है ट्रैफिक लाइट, तो इसमें कहाँ कहाँ ट्रैफिक लाइट है उस पर आपको देखना है किस किस इमेज में, और उस इमेज को आपको ट्रिक कर देना है। उस इमेज को ट्रिक करने के बाद से आप नीचे वेरीफाई पे क्लिक करेंगे। अगर जैसे ही आप कैप्चा वेरीफाई करेंगे आपका अकाउंट लॉगिन हो जाएगा और यहाँ पे इंटर पिन का ऑप्शन मिलेगा, तो आपको क्या करना है इस पर क्लिक करना है और आपको 4 अंक का कोई भी पिन बना लेना है, जैसे कि मैंने 4545 डाल दिया, और दोनों में आपको सेम डाल देना है। फिर सबमिट पे क्लिक करना है और यह बोल रहा है कि आपको पिन को याद रखना है, फ्यूचर में इसका उपयोग आपको पड़ेगा। तो आपको करना क्या है कि इस पिन को याद भी रखना है, जब भी आप इस ऐप को खोलेंगे तो बार बार आपको ID पासवर्ड नहीं डालना पड़ेगा, आप जो है पिन से ही बार बार अपने ऐप को ओपन कर लेंगे। अब आपको क्या करना है कि आप देख सकते हैं यहाँ पे माई बुकिंग का ऑप्शन मिलता है, PNR इंक्वायरी का ऑप्शन मिलता है, और भी बहुत सारे फीचर आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको करना क्या है, आपको पहले ट्रेन फाइंड करना है कि किस ट्रेन से आप जाना चाहते हैं, तो प्लान माई जर्नी पर आप क्लिक करेंगे। प्लान माई जर्नी पे क्लिक करने के बाद से आप ईएस्ट फ्रॉम पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे, और उसके बाद से आप उस जगह का नाम डालेंगे जहाँ से आप जाना चाहते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे मुंबई डालने जा रहा हूँ। अब जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने सर्च किया है मुंबई, तो यहाँ पे BCT मुंबई सेंट्रल आ गया, तो मैं क्या करूँगा इस पर क्लिक करूँगा। अब यहाँ पे पूछेगा टू, मतलब कहाँ जाना है आपको, कहाँ से कहाँ तक, तो आपको टू वाले पे क्लिक करना है और उस जगह का नाम जानना है जहाँ पे आप ट्रेन से उतरना चाहते हैं, तो यहाँ पे उस जगह का आप नाम डालेंगे। अब जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे मैंने मुजफ्फरनगर यहाँ पे डाल दिया। अब आप देख सकते हैं कि कुछ 23, 24, 25 मई यानी कि मैं 22 तारीख को वीडियो शूट कर रहा हूँ, तो 23, 24, 25 तीन डेट तो यहाँ पे शो हो रहा है, लेकिन इसके आगे का डेट लेना है तो आपको क्या करना है, जो यहाँ पे रेड कलर का सर्किल शो हो रहा है जहाँ पे 22 मई लिखा हुआ है, उस पर आपको क्लिक करना है। और मान लीजिए कि मुझे जून का टिकट बुक करना है, तो यहाँ पे मई आ रहा है, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे जून में चला जाऊँगा यहाँ से, मतलब जो भी डेट आपको बुक करना है उस डेट को आप सेलेक्ट करेंगे। चलिए मान लीजिए कि हमें 5 जून को टिकट बुक करना है, तो 5 जून सेलेक्ट करने के बाद से ओके पे क्लिक करेंगे। ओके पे क्लिक करने के बाद से आपको सर्च ट्रेन पे क्लिक करना है। सर्च ट्रेन पे आप क्लिक करेंगे तो होगा क्या कि 5 तारीख को जितने भी ट्रेन होंगी, फिलहाल तो यहाँ पे एक ही स्पेशल ट्रेन दिखा रहा है,
लेकिन अगर 5 तारीख को ज़्यादा भी ट्रेन होंगी तो सारी ट्रेनें आपको यहाँ पे शो हो जाएंगी। तो हम क्या करेंगे, जो ट्रेन शो हो रहा है उस पर क्लिक करेंगे, और उस पर क्लिक करेंगे तो नीचे आप देखेंगे आपसे यहाँ पे 1A 2A 3A स्लीपर 2S पूछ रहा है, मतलब कि आप किस में टिकट बुक करना चाहते हैं। तो मान लीजिए कि हम स्लीपर में बुक करना चाहते हैं, यहाँ से बैटरी का हम ओके कर देते हैं, तो SL पे क्लिक करेंगे, और जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको अवेलेबिलिटी सर्च कर रहा है यहाँ पे, और आपको बताएगा कि मतलब उसमें कौन सी सीट मतलब खाली है, कितनी सीटें हैं, वेटिंग है या क्या है। और आपने अगर 5 तारीख को देखा है तो आप देख सकते हैं आगे के 10 तारीख तक यानी कि 6 दिन का एक्स्ट्रा आपको दिखा रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे वेटिंग दिखा रहा है, यानी 78 तक वेटिंग गया है लेकिन वेटिंग लिस्ट अभी फ़िलहाल 39 है, लास्ट वाला मतलब करेंट है। तो आपको क्या करना है, अगर आप अभी बुक करेंगे तो आपको 40 वेटिंग यहाँ मिलेगा। तो आप देख सकते हैं अगर आपको वेटिंग बुक करना है तो बुक कर सकते हैं, लेकिन यहीं पे अगर आप 3AC मतलब AC जाम में जाना चाहते हैं 3rd AC में, तो इस पर क्लिक करके आप देखेंगे तो आपको AC का शो होने लगेगा। इसी तरह 2nd AC 1st AC ऐसे यहाँ पे शो होने लगता है। तो आप देख सकते हैं 3rd AC में भी आपको वेटिंग दिखा रहा है। आपको जिस डेट में बुक करना है आपको उस डेट पे सेलेक्ट करना होता है, एंड आपको नीचे यहाँ पे प्राइस दिखाता है कि आपको प्राइस कितना है ट्रेन का, और आप यहाँ पे बुक नाउ पे क्लिक कर सकते हैं। तो फिलहाल हम और थोड़ा सा सर्च कर लेते हैं, यहाँ पे 2S का ऑप्शन आ रहा है जिसमें केवल बैठने का ऑप्शन मिलता है, तो यहाँ पे भी वेटिंग दिखा रहा है। वैसे हम चाहें तो वेटिंग वाले पे भी क्लिक करके यहाँ पे बुक कर सकते हैं। कई बार होता क्या है कि बुकिंग का ऑप्शन नहीं आएगा जब सीट पूरी तरह से रिग्रेट हो जाती हैं, तो आप देखेंगे 10 जून में यहाँ पे अवेलेबल दिखा रहा है 35 सीट, तो हम इसको चाहें तो बुक कर सकते हैं। तो हम 10 जून पे यहाँ पे क्लिक करेंगे, और आप यहाँ पे फेयर देखेंगे तो 395 रुपया नीचे प्राइस दिखा रहा है। अब आपको क्या करना है, बुक नाउ पे आपको क्लिक करना है, और यहाँ पे कुछ दिए जा रहे हैं तो आप उसको पढ़ सकते हैं, और आपको आई एग्री पे क्लिक कर देना है। आई एग्री पे क्लिक करने के बाद से फिर आपको कन्फर्म पे क्लिक करना है, उसके बाद से इन्फो शो होगा तो आपको क्या करना है, ओके कर देना है। ओके करने के बाद से आप जैसे ही बुक नाउ पे क्लिक करेंगे तो ऊपर आप सबसे पहले देख लीजिएगा कि आपने जो डिटेल डाला था, आपको वहीं से मुंबई सेंट्रल से मुजफ्फरपुर नगर जाना है, और आपको यहाँ पे डेट और टाइम भी शो होगा। ऊपर आप देखेंगे तो 10 जून वेडनेसडे लिखा हुआ है, और यहाँ पे टाइम भी शो हो रहा है कि कब ट्रेन है और कब आपको पहुँचाएगी। उसके बाद से आपको ऐड पैसेंजर का ऑप्शन मिलता है, यहाँ पे पहले बोर्डिंग का ऑप्शन मिलता है। ऐसा होता है कि मान लीजिए कि आप मुंबई सेंट्रल बुक कर रहे हैं लेकिन ट्रेन आप चाहें तो दूसरा जगह बोर्डिंग स्टेशन डाल सकते हैं, जिससे कि आप दूसरे जगह से भी ट्रेन में बैठ सकते हैं, वरना 3 स्टेशन बाद जो है ट्रेन की टिकट जो है किसी और को TT वगैरह दे देते हैं। अब ऑप्शन आता है यहाँ पे ऐड पैसेंजर का, तो ऐड न्यू पे आपको क्लिक करना है, और ऐड न्यू पे क्लिक करने के बाद से आपको क्या करना है कि पैसेंजर ऐड करना है। सबसे पहले आप जो है यहाँ पे नाम डालेंगे, आपका नाम क्या, जैसे कि मैंने यहाँ पे भास्कर ऐड कर दिया, और यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद से आपको एज डालना है, जैसे मैंने ऊपर अपना नाम डाल दिया, और नाम डालने के बाद से एज डालने का ऑप्शन आ रहा है तो मैंने एज डाल दिया। उसके बाद से आपको जेंडर सेलेक्ट करना है, जेंडर मैंने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद से आपको बर्थ प्रिफ्रेंस पूछ रहा है, यानी कि आप जो है कौन सा बर्थ चाहते हैं। तो फिलहाल जो मैंने 2S किया है उसमें विंडो साइड या नो प्रिफ्रेंस पर कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पे विंडो साइड कर देता हूँ। आप जो है लोअर बर्थ जो भी मतलब जिस तरह की आपकी कोच होगी उस तरह का आपको यहाँ पे पूछा जाएगा, तो हमने जो है विंडो साइड कर दिया। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आपको वही चीज़ मिलेगा, बिकॉज हो सकता है कि वह सीट पहले से ही फुल हो तो वह ऑटोमेटिक दे देते हैं, लेकिन अगर सीट बचा होता है तो आप जो प्रिफ्रेंस डालते हैं वह आपको मिल जाता है। नेशनलिटी पूछ रहा है तो ऑलरेडी इंडियन है, आपको इंडियन रहने देना है। ऐड पैसेंजर पे आपको क्लिक करना है। आप देख सकते हैं एक पैसेंजर जो है यहाँ पे हो गया ऐड भास्कर। अगर आप और पैसेंजर ऐड करना चाहते हैं, मान लीजिए कि आपके साथ 2 आदमी ट्रेवल कर रहा है या 5 आदमी ट्रेवल कर रहा है, तो आप क्या करेंगे, ऐड न्यू पे फिर से क्लिक करेंगे, और ऐड न्यू पे क्लिक करने के बाद से सेम वैसे ही डिटेल को बैग भरेंगे और ऐड पैसेंजर पे क्लिक कर देंगे। उससे होगा क्या कि 2 पैसेंजर ऐड हो जाएंगे, और उसके बाद से आप नीचे आएंगे। नीचे आने पे आपको मोबाइल नंबर डाल देना है, जिस मोबाइल नंबर पे आप SMS चाहते हैं, यानी जो भी पैसेंजर ट्रेवल करने वाला है। और उसके बाद से आपको यहाँ पे इंटर प्रिफ्रेंस कोच नंबर, तो ये सब आप छोड़ दीजिएगा, ये सब डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। योर डिस्टिनेशन एड्रेस आप चाहें तो आपको यहाँ पे एड्रेस डालना है, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट में मैंडेटरी है, बाकी मैंडेटरी नहीं है, तो मैंडेटरी वाली चीज़ को आपको फेल करना है। तो आप अपना एड्रेस यहाँ पे ज़रूर डाल दीजिएगा, पिन कोड ज़रूर डाल दीजिएगा, पोस्ट ऑफिस भी सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद से आपको यहाँ पे का ऑप्शन मिलता है कि आप पे थ्रू क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग किससे करना चाहते हैं, या पे आप करना चाहते हैं भीम UPI से। तो आपको क्या करना है कि पे जिससे करना है, अगर भीम UPI से करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करेंगे, या डेबिट कार्ड नेट बैंकिंग से करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करेंगे। पेटीएम वगैरह से भी ऑप्शन आपको इसमें मिल जाएगा।
उसके बाद से आप नीचे देखेंगे तो आपको यहाँ पे यस करना है। इसमें होगा क्या कि 49 पैसा आपका एक्स्ट्रा कटेगा और आपका ट्रेवल इंश्योरेंस हो जाएगा, और बिना इस पर क्लिक किए आप जो है इसको बुक भी नहीं कर पाएंगे। उसके बाद से रिव्यू जर्नी डिटेल पे आपको क्लिक करना है और आपको यहाँ पे ओके पे क्लिक करना है। अभी एड्रेस जो है मैंने सही से नहीं भरा है, तो आपको क्या करना है, मैं पहले एड्रेस डाल देता हूँ, उसके बाद उस पर क्लिक करते हैं। अब आपको क्या करना है, रिव्यू जर्नी डिटेल पे आपको क्लिक करना है। रिव्यू जर्नी डिटेल पे आप जैसे ही क्लिक करते हैं आपको यहाँ पे कैप्चा फिर से वेरीफाई करने को मिलेगा। तो आपको क्या करना है, अगर कैप्चा मिलता है तो वेरीफाई कर लेना है, वरना आपने जो भी डिटेल डाला है, जिनका नाम डाला है जैसे कि भास्कर बाई सीयर मेल, ये सब सारी चीज़ें आपको शो होंगी, तो आपने कुछ गलत तो नहीं डाला है, इस चीज़ को देख लेना है। और आपको क्या करना है, प्रोसीड टू पे पे आपको क्लिक करना है। प्रोसीड टू पे पे क्लिक करने के बाद से आपको कुछ यहाँ पे नोटिफिकेशन शो हो रहा है, जो कि आजकल कोविड की वजह से कई सारे नोटिफिकेशन आ रहे हैं, आपको उन सबको पढ़ लेना है और यस पे क्लिक करना है। यस पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा कि आप किस चीज़ से पेमेंट कर सकते हैं, जैसे कि सेलेक्ट पेमेंट मेथड। तो आप वॉलेट कर से करना चाहते हैं, वॉलेट में आप देखेंगे तो वॉलेट में आपको IRCTC, मोबीक्विक, पेटीएम, कई सारे ऑप्शन आ जाएंगे। यहाँ पे आप देखेंगे मल्टीपल पेमेंट ऑप्शन पे, तो आपको क्या करना है कि यहाँ पे आ जाना है। आप मान लीजिए कि क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या किसी भी चीज़ से आप करना चाहते हैं तो आप इसी में आएंगे और आप क्या करेंगे कि पेटीएम, मोबीक्विक किसी भी पे क्लिक कर सकते हैं। ये सब क्या है ना, ये सब जो है पेमेंट गेटवे हैं, तो आपको जो अच्छा लगे, मान लीजिए मैं पेटीएम पे ही क्लिक कर देता हूँ, ऐसा नहीं है कि आप पेटीएम से ही बुक करेंगे, आपको पेटीएम पे क्लिक कर देना है, आपके पास एटीएम कार्ड है फिर भी, और आपको नीचे यहाँ पे पे पर क्लिक करना है। आप जैसे ही पे पे क्लिक करेंगे अब आपसे यहाँ पे पूछेगा कि आप डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, पेटीएम वॉलेट किससे करना चाहते हैं। तो मान लीजिए आपके पास एटीएम कार्ड है तो इस पे क्लिक करेंगे, अपना कार्ड डिटेल डालेंगे और कार्ड की एक्सपायरी डेट डालेंगे, CVV कोड, और आपको नीचे ऑप्शन मिल जाता है वॉलेट का। अगर आप चाहें तो पेटीएम वॉलेट से बुक कर सकते हैं या नेट बैंकिंग से, आपका पेमेंट कट जाएगा और आपका टिकट जो है बुक हो जाएगा। अब क्योंकि मैं यहाँ पे टिकट बुक नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे बुक नहीं करना है, तो मैं यहाँ पे पीछे आ जाऊँगा। अब आपको पीछे आके बताते हैं कि आप अगर टिकट बुक कर लेते हैं तो उसके बाद से आपको क्या होगा। जब जैसे ही आपका टिकट, उसके बाद से आप होम पे आ जाएंगे और होम पे आने के बाद से आपको इस तरह का इंटरफेस शो होगा। अगर आपने टिकट बुक कर लिया होगा तो टिकट आपको ईमेल के द्वारा भी मिल जाएगा और उसके साथ ही आपके मोबाइल पे SMS आ जाता है, जिसको आप दिखा करके जा सकते हैं। इसके अलावा ऐप में आप आएंगे तो माई बुकिंग पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपका टिकट शो हो जाएगा, और उस टिकट को आप गैलरी में JPEG फॉर्मेट इमेज में डाउनलोड कर लेंगे, जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप फिर से हम होम पे आ जाएं, मान लीजिए आपने जो टिकट बुक किया है उसे आप कैंसिल करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आएंगे होम पे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे कैंसिल टिकट का ऑप्शन मिलता है। आप जैसे ही कैंसिल टिकट पे क्लिक करते हैं तो आपको क्या होगा, जो भी टिकट आपने बुक किया होगा सारा टिकट आपको यहाँ पे शो होगा। ये जो आ रहा है एड्स आ रहा है, इस वेबसाइट पे एड्स आते हैं, तो आपका जो टिकट होगा शो होगा। उस टिकट पे क्लिक करके आप टिकट को कैंसिल कर सकते हैं। जब आप कैंसिल करेंगे तो आपको बताएगा भी कि आपको कितना रिफ़ंड मिलने वाला है। इसके साथ ही जब आपका रिफ़ंड आपको मिल जाएगा या फिर आप रिफ़ंड स्टेटस चेक करना चाहते होंगे तो आप रिफ़ंड हिस्टोरी पे क्लिक करके आपको किस टिकट का कितना रिफ़ंड और किस स्टेट अकाउंट में गया है, अगर आपको कुछ गड़बड़ होता है तो यहाँ से चेक कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई और जानकारी चाहिए टिकट बुकिंग से रिलेटेड तो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। मिलते हैं आपसे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू, धन्यवाद।